आज सिलीगुड़ी के मिलन मोड़ चंपासारी स्थित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट ने ओथ सेरेमनी के साथ साथ मनाया क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन। सबसे पहले उपस्थित मुख्य अतिथियों को खादा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। स्पेशल गेस्ट में जीडी थापा मौजूद थे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की सेक्रेटरी नीवा लामा, मैनेजमेंट से सारा लामा सा अन्य उपस्थित थे। आज अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर की विद्यार्थियों को दुनिया की पहली नर्स फ्लोरेंस नाइटेंगल की तस्वीर के समक्ष हाथ में कैंडल लेकर नर्स की शपथ दिलाई गई। Special guest of the day, since today is a very special day for our college and for our students. We are having a three programs today. First with a Christmas celebration, then the second is a very special program for all our nurses, that is lamp lighting ceremony for our students, and the third one will be precious welcome for all our fresh students, first year students, and accompanied by the farewell. Yeah.
सभी ने एक केक काटा, एक दूसरे को खिलाकर क्रिसमस व नए साल की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही आज इंस्टीट्यूट के पास आउट हुए स्टूडेंट को भी बुलाया गया, जिन्होंने मौजूदा विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा फेयरवेल पार्टी व फ्रेशर्स पार्टी के साथ ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स काइंडली बी रेडी। So I request all the students to stretch your right hand for oath taking ceremony. बहुत अच्छा है ये कॉलेज में, मतलब अभी सिलीगुड़ी का ये हमारा मेडिकल कॉलेज है, सिलीगुड़ी में लोकेटेड है ये मिलन मोड़ में। और अभी तक हम लोग इधर पढ़ रहे हैं और हम लोग एग्जाम के लिए बेंगलोर जाते हैं,
और अभी तक का मेडिकल कॉलेज में सबसे अच्छा कॉलेज हम लोग को यही लगता है। फ्रेंडली है, मतलब अब सब टीचर लोग सब लोग फ्रेंडली, इधर का प्रिंसिपल सर डायरेक्टर सब लोग फ्रेंडली, अच्छा ही कॉलेज है। तो आपका यहाँ पे फैकल्टी कैसा लगा? फैकल्टी मतलब अभी हम लोग तो DML लैब टेक्नीशियन है, और अब इधर जब वो जो फैकल्टी है ना DMLT का, वो टीचर लोग और फ्रेंड लोग इधर का सब लोग बहुत अच्छा है इधर। तो आपका अभी तो आपको प्लेसमेंट मिल गया? प्लेसमेंट तो हम लोग को मिला है, अभी हम लोग अभी काम ही कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी हम लोग काम कर रहे हैं गैंगटॉक में, नॉर्थ बंगाल, हम लोग सबको सब जगह पे काम मिलता है, इधर सौ लोग बोल देते उसके बाद काम मिलता है। पूछा था मैं, आपकी पास आउट स्टूडेंट है यहाँ पे? हाँ जी। कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। तो आप स्ट्रीम कौन सा? GNM। तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा? एक्सपीरियंस तो अच्छा लगा है। फैकल्टी कैसा है? हाँ जी, अच्छा है। आपको प्लेसमेंट मिल गया? हाँ, प्लेसमेंट जी। कहाँ मिला है? अभी तो ना मिला है, अब हम लोग अब ट्राई करेंगे। अच्छा, एल्सा। So, आपका फेयरवेल है आज? Yes. So, how is your experience? Very good. Faculty कैसा लगा? They are all good. All good. Student? Stream, I'm from GNM. Placement मिल गया आपका? Yeah, placement it's going in the process. Now we'll get because last week only we have just completed our education. So, after that the process is going on, we'll get the placement. Yes? आपका college के बारे में कुछ बोलिए। It's very good. Everything is provided well and good. आपका नाम? मैं उदित मिमिरे। कौन सा स्ट्रीम है आप? हाँ, मेरा GNM थर्ड ईयर, यहाँ से कंप्लीट किया। हाँ, कंप्लीट किया है मेरा। हाँ। सो आप जॉब मिल गया? जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं अभी, लेकिन मिल जाएगा, ऐसा कोई नहीं कि मेडिकल में जो आएगा ना उससे नहीं मिलेगा, नहीं, मेडिकल में जाएगा वो एकदम 100% मिल जाएगा, और ये प्रोफेशन तो एकदम सही है। ये कॉलेज कैसा लगा? कॉलेज तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस जो एकदम था, एकदम 5 out of 5 star है, इसमें मेरा एकदम अच्छा है, जो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है यहाँ से, है ना, जो लाइफ के बारे में सीख लिया, स्टडीज़ के बारे में जो भी है मैंने सब सीख लिया है स्कूल टाइम में, जो जितना नहीं सीखा यहाँ पे बहुत सीख लिया मैंने। यहाँ के टीचर्स लोग सब अच्छे हैं, फ्रेंड नए नए मिल गए, एकदम फैमिली जैसे है हमें। दुख लग रहा है आज हम छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, तो किसी भी है लाइफ में थोड़ा सक्सेस हो गया। आज कैसा फील हो रहा है आपको? आज तो क्या फील, एकदम लाइफ के सक्सेस में एक स्टेप आगे बढ़ गया हूँ, है ना। तो दुख भी लग रहा है यहाँ छोड़ के जा रहे हैं हम इतने अच्छे फैमिली को, हम टच में रहेंगे यहाँ पे, और जो भी आने वाले उन लोगों को वेलकम नहीं है। आप कहाँ से आए? मैं कालिम्पोंग से। जी जी। सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आज आपका सारा स्टूडेंट्स का फेयरवेल है। से समथिंग अबाउट दिस कॉलेज। आज त म एकदमै खुसी छु, किन भन्दाखेरि है हाम्रो कलेजको आज नानीहरू जुन हाम्रो यो JNM को ब्याचहरू थियो है, उनीहरूले एकदमै 100% उनीहरूले पास गरेर उनीहरू पास आउट भएको छ, अनि हामी त्यसमा पनि खुसी छौँ। र फेरि हाम्रो यो 2021 को न्यू सेसनमा पनि है धेरै स्टुडेन्टहरूले है यहाँनिर आएर उनीहरूले आफ्नो शिक्षालाई लिनु यहाँ आएको छ, एकदमै सबैजना खुसी नै छ। अनि सर्वप्रथम त हामीले आज सबैजनासँग मिलेर आज हाम्रो प्री क्रिसमसलाई सेलिब्रेसन गर्ने मौका पाएका छौँ, एकदमै हामी खुसी छु। थ्याङ्क यू। आफ्नो नाम? सारा लामा। एन्ड आफ्नो नाम? मेरा नाम है निमा लामा। आप क्या करते हैं? मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ यहाँ का कॉलेज का। सो कैसा लग रहा है सर कॉलेज के बारे में कुछ? ठीक ही है, आज मेरा बच्चा लोग का आज का दिन में प्री क्रिसमस भी हम लोग मना रहा है, और जो इस साल में हमारा जो 20-25 स्टूडेंट था GNM का, और वो लोग पास आउट फर्स्ट डिवीज़न में पास होकर अभी वो लोग को प्लेसमेंट भी मिल गया। इससे आगे भी जितना भी 2014 से हम लोग ये चला रहा है, 105 स्टूडेंट को हम लोग अभी गवर्नमेंट में प्लेसमेंट दिया हूँ, तो ये लोग अभी फिलहाल इस साल में जो स्टूडेंट GNM निकल गया, ये 26-27 स्टूडेंट, ये लोग को भी ऑलरेडी प्लेसमेंट हम लोग रेडी रखा है। तो आज का दिन खुशी है, क्योंकि जितना भी यहाँ पढ़ने आए हैं 55-56 GNM BSc का स्टूडेंट, वो लोग को भी हम लोग फ्रेशर्स वेलकम कर रहा है, और सब यहाँ का जो भी है सराउंडिंग एरिया का जो आपका फैकल्टी के बारे में कुछ बताइए। मेरा
मेरा फैकल्टी है आपका नॉर्थ बंगाल से, न्यूटिया से, आपका दिशान से, डॉक्टर चैंग से, विभिन्न डिफरेंट हॉस्पिटल से जो हम लोग लेते हैं यहाँ पर MSc और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस का टीचर्स लोग लेते हैं, जो वो ऑलरेडी काम किया हुआ है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो लोग को हम लोग यहाँ पर फैकल्टी में ज्वाइन करते हैं। पूरा इंटरव्यू होता है वो लोग का, फिर इंटरव्यू सेलेक्शन में हमारा हॉस्पिटल से मेरा मेडिकल रिसर्चर बैठता है, हम लोग बैठता है कमिटी बैठकर, फिर हम लोग वो लोग को फिर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं इंटरव्यू के साथ में। सो आपका कॉलेज का कुछ स्पेशलिटी भी यहाँ से तो क्या, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साल में कम से कम 15-20 गरीब स्टूडेंट को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ से ये ट्रस्ट का अंडर में जितना भी हम लोग का थोड़ा सा भी प्रॉफिट आ गया तो हम लोग की पूरा सिलगढ़ी डोर्स का जितना भी गरीब लोग है सिक्किम दार्जिलिंग का, वो लोग को हम लोग चैरिटी करते हैं। इन फ्यूचर हम लोग का यही प्लान है, यदि ये कॉलेज अच्छे से होकर चला जाएगा तो हम लोग यहाँ ऑर्फन्स होम खोलेंगे, यहाँ ओल्ड एज होम खोलेंगे, और यहाँ आई हॉस्पिटल खोलेंगे, मेडिकल हॉस्पिटल खोलेंगे, ये सब को काम भी देंगे और हम लोग खुद पाल कर रखेंगे, और स्कूल खोलकर हम लोग गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा यूनिफॉर्म ड्रेस सारा चीज़ देकर हम लोग रेडी करेंगे, ये हम लोग का लक्ष्य है। स्टूडेंट्स को क्या मैसेज करना? अभी विशेष तो मैं एक चीज़ चाहता हूँ, जो भी जितना भी गरीब लोग हैं वो गरीब से गरीब घर का भी यहाँ आकर पढ़े, कोई भी पैसा का इश्यूज नहीं होगा वो लोग को। हम लोग ना ऐसा कंडीशन है, किसी का माँ नहीं है बाप नहीं, वो लोग को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे यहाँ पर। अभी आने वाला दिन में जितना भी वो पैसा का कारण से अड़का हुआ है घर में, वो सब इजीली फील फ्री कर कर यहाँ पर पढ़ने के लिए आ सकता है। वो लोग के लिए विभिन्न क्राइटेरिया से हम लोग पढ़ाएंगे, हेल्प कर कर पढ़ाएंगे, ये पैसा का इश्यू इसमें कुछ भी नहीं है हम लोग का कॉलेज में। जो भी आकर पढ़ सकते हैं इसमें हम लोग का 100% मदद होगा। सो आप नीडी पीपल को एजुकेशन प्रमोट करना चाहते हैं? नीडी पीपल को हम लोग एजुकेशन प्रमोट करना चाह रहे हैं। अभी कम से कम 100 स्टूडेंट को हम लोग ऐसा ही फ्री में हम लोग पढ़ाया अभी तक सबका नाम लिस्ट है, पूरा चेक कर सकते हैं। कोई एक दो स्टूडेंट जो यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट में गए हैं, कहाँ पे गए हैं? ये तो ऊपर है अभी यहाँ से तो बहुत प्लेसमेंट होकर गया है, जितना का भी इंडिया के बाहर भी प्लेसमेंट्स होते हैं, यहाँ से बाहर नहीं होता है इंडिया में, क्योंकि इतना रिस्क हम लोग नहीं लेते। बाहर का लोग हमारा पास आता है प्लेसमेंट के लिए, सिंगापुर, दुबई, इसराइल से, तो हम लोग नहीं भेजते, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहीं पर हम लोग एडजस्ट करा देते, सिलगढ़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, अपना अपना जगह में गवर्नमेंट में फर्स्ट ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर लोकल बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में हम लोग खुद ही हॉस्पिटल से टाइप है हम लोग प्लेसमेंट देते हैं, दे रहा है अभी। जो भी हमारा स्टूडेंट है पूछ सकते हैं, हमारा पास पूरा लिस्ट है, तो सबको प्लेसमेंट है देते हैं हम लोग। और नीडी पीपल को तो मैं यही बोलना, मेरा यही मैसेज है कि पूरा इंडिया में कोई भी गरीब बच्चा यहाँ आकर सीधा मेरे से मिले और मैं पढ़ा दूँगा उसको, कोई इश्यू नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। हम लोग का उद्देश्य है कि सबको घर में बत्ती जले, हम लोग यही काम कर रहा है अभी ट्रस्ट का थ्रू से। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और